नमस्कार। आज हम कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। अध्याय 7 में हमें दूरी ज्ञात करनी पड़ती है और दूरी के सूत्र के द्वारा ही हम समरेख हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं आदि आदि सवालों को हल करते हैं। तो आइए, प्रश्न क्रमांक पहले का पहला प्रश्न है हमारे पास, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्वेश्चन लिखा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष शीर्ष 2-3 और -1-0, 2-4, ठीक है, ये दिया है। हमें क्या करना है, हम हल करते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास है, लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 y3 plus x2 y3 minus y2 by 1 sorry plus x3 y1 minus y2, ये आपका दिया है। अब हमने देखा क्या होता है, ये आपका x1 होता है, ये y1 होता है, x2 होता है, ये y2 होता है, x3 होता है, ये y3, इस प्रकार ये तीनों होते हैं। हमने मान रखते हैं 1/2 लिखा, ठीक है। x1 क्या है, 2 है, y2 क्या है, 0 है, y3 क्या है, 4 है, प्लस का है तो माइनस, माइनस प्लस हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, x2 कितना है आपका, -1 लिख दिया, y3 कितना है, -4, y1 कितना है, 3, ठीक है। x3 आपका क्या हुआ, 2 हुआ, y1 क्या है आपका, 3 है, y2 क्या है, 0 है, और ये लिखते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं है। आगे चलते हैं, 1/2 ऐसे ही लिखा है, 2, 0 और 2, वो 0 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 4, इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा लगेगा, ये प्लस और माइनस हो गए, माइनस 4 और 3 कितने हो गए, 7, 7 को 1 में गुणा करेंगे तो 7 प्लस 2 है और 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही रहेगा, 1/2, 4 दूनी कितना है, 8 माइनस 7 प्लस 3 दूनी कितना होगा, 6 बराबर 1/2, 8 और 6 कितने हो गए, 14 माइनस 7, इस प्रकार से यहां पर एक बार और आप देखेंगे, 7 सॉरी माइनस का ये 7 है और माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएंगे तो ये भी 7 हो जाएंगे, तो आपका 21/2 और क्या आ जाएगा, वर्ग मात्रक जो भी दिया होगा सेंटीमीटर में, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 3 शीर्ष दिए हो तब हम निकाल सकते हैं। ये नीचे की एक लाइन आपको नहीं दिख रही है, देखिएगा अब आपको पूरा दिखने लगेगा।
ठीक है ना, ये पहले का पहला प्रश्न सही हमने कर दिया है। अब इसमें एक प्रश्न और है, उसे आप स्वयं हल कर लेंगे। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक दो के क्वेश्चन करते हैं। आइए अब प्रश्न क्रमांक दो हम करते हैं। एक आपने कर लिया, इसको नोट कर लें आप। नोट करने का सबसे सही तरीका है आप वीडियो को पॉज करें, वहां पर रोकें पूरा बोर्ड पर, और आप नोट कर लें आराम से रुक कर, जितना भी समय आपको नोट करने में लगता है, ठीक है ना। चलिए ना, है ना। अब हमें प्रश्न क्रमांक दो, प्रश्न क्रमांक दो जो है इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है जब तीनों बिंदु समरेख। लिखना है k का मान ज्ञात करो जब तीनों बिंदु समरेख, तीनों बिंदु समरेख। की का मान ज्ञात करना है जब तीनों बिंदु कैसे रहते हैं, समरेख हो। पहले नंबर में जो बिंदु दिए हैं वो क्या है देखिएगा, बिंदु है 7-2, 5-1 और 3-k, ये तीन बिंदु हैं। समरेख होते हैं तो क्या होता है, बराबर में जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर में जीरो हो जाता है। तो हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो, ठीक, समरेख है। अब हमने लिखा 1/2, वही x1/2 - y3 + x2, है ना, x2 तो y3 - y1 + x3 y1 - y2, ये बराबर में जीरो, ठीक। हमने मान रखे सारे, 1/2 लिखा है, x1 का मान कितना हो गया, यहां हम समझ जाते हैं x1 / 1 x2 / 2 x3 / y3। x1 का मान है 7, y2 का मान है 1, y3 का मान है k, x2 का मान है 5, y3 का मान है k, y1 का मान है -2 मतलब +2 हो गया, +x3 का मान है 3, y1 का मान है -2 और y2 का मान है -1, एक है -1 लगेगा, बराबर 0। इस प्रकार से हमारा हो जाता है, हम इसको हल करते हैं 1/2, ये हो गया आपका 7 - 7k + ये हो गया आपका 5k + 10, और ये 2 और 1 3 हो गया माइनस का, तो ये माइनस का 9 = 0, ठीक है। हम देखते हैं माइनस माइनस के अलग करते हैं, ये माइनस का 7k, ये 5k प्लस का, और 10 और 7 = 17 हो गए आपके, क्या हो गए 17 - 9 - 2k = 0, ठीक है ना। अब 1/2, 17 में से 9 जाएंगे तो 8 - 2k = 0, ठीक है। इतना आपको सब समझ में आ रहा होगा, मैं यहां पर लिखता हूं, दिखाई दे रहा है 1/2 का अंदर गुणा होगा, 1/2 * 8 - 1/2 * 2 = 2 = 0, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ये 2 से ये काटा 4 बार और ये 2 से 2 काटा, यहां पे बचा -k = -4, ये 4 उधर पहुंच गए तो -k हो गए, माइनस से माइनस काट दिया और के बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, के बराबर हमारे प्राप्त हो गया 4। तो इस प्रकार से
जब बिंदु समरेख हो तो के का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके तीन सवाल और हैं, वह आप स्वयं हल करेंगे। ऐसे कैसे सवाल हैं आप हल कीजिएगा, फिर भी नहीं आते तो हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।